ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जान की को जब भी मैंने सुना है, सबसे पहले वो यही तीन बार बोलती थी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सुबह खबर मिला, आज सुबह अराउंड 2 AM शी लेफ्ट फॉर हर हेवनली जर्नी, शी वेंट टू बाबा। मुझे लगता है कि दादी जान की, जिन्हें हम प्यार से एंजल ऑफ पीस के नाम से बोलते थे, बुलाते थे, द होल वर्ल्ड न्यू हर एज एन एंजल ऑफ पीस। आई थिंक टुडे शी इज एन एंजल एंड शी इज गॉन टू बाबा। आई थिंक बाबा को मैसेज पहुंचाने के लिए गई हैं, मुझे लगता है। जिस क्राइसिस से हम इस वक्त दुनिया जा रही है, चल रही है, द क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू, एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ द वर्ल्ड, द पेस इट वॉज गोइंग, सडनली देर इज अ ब्रेक। एंड आई थिंक ये सही वक्त और सही समय है शायद दादी ने चुना, कि सब लोग घर पे बैठे हैं, सब लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सब लोगों को थोड़ा शांत किया है, सब लोग शांत भी हुए हैं थोड़ा सा, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। सो और दादी ने यही समय, शी थॉट दिस इज द राइट टाइम दैट आई गो एंड इन्फॉर्म बाबा, एंड बाय नाउ शी मस्ट हैव बीन टॉकिंग टू बाबा, बाबा से बात कर रही होंगी। दादी जानकी से मिलने का मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिला। जब उनको मिला था, उन्होंने मुझे ये दिया था इनसाइड आउट, जो मेरे पास हर समय रहता है और मैं पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने मुझे एक कैलेंडर भी दिया था, तो ये मुझे याद है उनके साथ मुलाकात का। दादी ने हर समय यही बोला है कि सबसे पहले देखो कि हु एम आई। आई थिंक ये वक्त है हमारे लिए, ये समय है हमारे लिए पूरे दुनिया में, जब सब लोग घर पे बैठे हैं शांति से, यही सोचने का, हु एम आई, तभी शायद हम लोग उस सुप्रीम गॉड से कनेक्ट कर पाएंगे।